तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखो, आप लोग कोऑर्डिनेट में भी जब हमने पढ़ाया होगा एंगल बाइसेक्टर एक समय में, आपको याद हो तो, जब इन सेंटर का फॉर्मूला निकालना था। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी भी ट्राइंगल के लिए क्या कहता है कि आपका, अगर मान लो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और ये इस एंगल का, अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि ये वाले साइड वर्टेक्स ए बी सी है, और ये साइड की, इस सी के सामने वाले साइड की लंबाई सी, और बी के सामने वाले साइड की लंबाई बी, और इसके सामने वाले साइड की लंबाई ए अगर है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट डी है, वो डी इसको इसी साइड के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। यानी जैसे ही ये जितनी लंबाई ये है उसी के लंबाई में यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये वाला इस पे गिरेगा, ये वाला इस पे गिरेगा। अगर मान लो कि कभी ऐसे अगर हो, ये वाला एंगल बाइसेक्टर हो, ये वाला एंगल बाइसेक्टर हो, ये यहाँ पे अगर ये बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये किस पॉइंट रेशियो में डिवाइड करेगा, ए इज टू ये वाला इसके ऊपर सी में डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका, यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही कहता है कि जो आपका साइड वाले साइड्स है, यानी साइड वाले साइड की लंबाई है, उन्हीं के रेशियो में डिवाइड करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप एक बात, तो अगर ये हमारे पास ये पता है, अगर मैं ये कहूं कि जैसे मान लो कि मैंने कैसे कहा कि आपके पास कोई 10 किलो सामान है, या मान लो 10 किलो आपके पास एप्पल है, और आपको दो लोगों में बांटना है, और इस तरीके से बांटना है कि इसको दो हिस्सा मिले, इसको दो पार्ट मिले, और इसको पांच पार्ट मिले, तो आप कैसे बांटोगे इसको, ये इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा? सिंपल, घर में कोई सवाल से पूछ देगा तो क्या करोगे? तो आप क्या वैसे बांटोगे कि इसको उतना मिलेगा कि इसको 2 × 10 का 2 + 5 मिलेगा, और इसको पांच हिस्सा चाहिए। तो पहले हमने ये 2 + 5 टोटल कर लिया, और इसको इसको पांच हिस्सा चाहिए, तो हो जाएगा 2 + 5। क्या ये आपका दोनों का बराबर हिस्सा मिल जाएगा क्या? जरा देखो, इन दोनों को जोड़ो तो 10 ही आना चाहिए। जरा इन दोनों को जोड़ के देखो, 10 आ रहा है क्या? 2 + 5, ये देखो 2 + 5, 2 + 5 सेवन, सेवन सेवन कट गया, 10 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब आपको इसको दो हिस्सा चाहिए, तो 2 × 10 / 2 + 5। तो अगर ऐसे देखो, ये पूरा ए ये सी पार्ट में बटा और ये बी पार्ट में बटा, तो इस हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्या ये सी इंटू ए अपॉन सी प्लस बी के बराबर होगा क्या? सी ये वाला हिस्सा और इन दोनों का रेशियो नीचे गया, और इनटू ये पूरा ये आपका जिसके लंबाई ने जितना पूरा 10 जितना बांटना था उतना ये ए के बराबर, और इसको कितना मिलेगा, ये लंबाई कितना हो जाएगी? ये लंबाई आपका बी इंटू आपका ए अपॉन सी प्लस बी। बोलो, बात समझ में आया आया नहीं आया? तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही कहता है कि पहले तो जो ये आपका एंगल आपके सामने वाले साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो ये अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? अब अगर इस पे हम बात करें इन सेंटर के लिए, इन सेंटर क्या होता है बोलो? इन सेंटर हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इन सेंटर अगर कोई एक ट्राइंगल है, तो इन सेंटर की डेफिनेशन यही कहती है कि एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं कहूं इसको थोड़ी देर के लिए कि ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इस वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट ए है, यानी पोजीशन वेक्टर ए है, इस वर्टिक्स का पोजीशन वेक्टर बी है, इस वर्टिक्स का पोजीशन वेक्टर सी है, ठीक है, और इसकी लंबाई पूरा ए है, इसकी लंबाई पूरा बी है, और इसकी लंबाई पूरा सी है। लंबाई मतलब समझ रहे हो ना, इस ए बी सी में और इस ए बी सी में अंतर है, समझ रहे हो कि नहीं? ये एक लंबाई है और ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर है। अगर इस केस में, तो ये कहता है कि एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो यहां पे मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर निकाला, यहां पे ये कहीं पे कट किया, ये डी कट किया, तो ये डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करेगा, और यहां से मैंने इसका एंगल बाय सेक्टर कुछ खींचा, तो ये इसका एंगल बाय सेक्टर जाएगा, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो क्या यहाँ पे ये जो पॉइंट है यही इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा क्या? बोलो बच्चों, यही इन सेंटर हो जाएगा क्या? बात समझ में आया? अब अगर मैं कहूं आपसे कि हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले आप देखा, अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए जो ये एडी है वो आपका इस ए एंगल का बाइसेक्टर है, तो वो इसको डिवाइड किया सी इज टू बी रेशियो में। अब मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस ट्राइंगल को देखूं, इतने को, इस ट्राइंगल के लिए भी ये वाला एंगल बाइसेक्टर है क्या?
अरे है या नहीं है? और ये एंगल बाई सेक्टर है तो आई जिस जहां पे डिवाइड हो रहा है वो क्या यहां से ये वाला गिरेगा सी इज टू, इसके लंबाई में डिवाइड करेगा क्या आई को? करेगा कि नहीं? मतलब मुझे ये वाली लंबाई की जरूरत पड़ेगी क्या निकालने की? पड़ेगी कि नहीं? और ये वाली लंबाई कितनी है? अभी हम थोड़ी देर पहले देखें कि ये लंबाई कितनी है, सी इज टू ए अपॉन बी प्लस सी, है या नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट है तो ये आपका अभी हमने कल पढ़ा हुआ है, कल का ये पढ़ा हुआ है क्या चीज की सेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या ये डी का कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं क्या कितना हो जाएगा? क्या सी इंटू सी बी इंटू बी, क्या सी इंटू सी प्लस बी इंटू बी अपॉन बी प्लस सी, यही हो जाएगा क्या? बोलो, सी इंटू सी बी इंटू बी अपॉन नीचे में सी प्लस बी। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमको चाहिए ये, तो इसको आपने डिवाइड करवाया किस रेशियो में? ये c इंटू ए अपॉन बी प्लस सी, इसी रेशियो में डिवाइड करा। अब मैं उस पूरे वाले पोर्शन को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया मैंने, मैंने कहा कि यहां पे a है, यहां का कोऑर्डिनेट आपका c c प्लस बी बी अपॉन c प्लस बी है, और यहां का जो ये i है वो c इज टू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सी ए अपॉन बी प्लस सी, इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है? C इज टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, और आप सेम सेम है तो इसको गायब किया जा सकता है। बोलो, सेम सेम है तो गायब कर सकते हैं ना? गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वन इज टू ए अपॉन बी प्लस सी, रेशियो है तो पूरे में बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आ जाएगा ये? बी प्लस सी इज टू ए। क्या इसका मतलब ये सेम है? इसको मैं हटाकर क्या इसके जगह पे लिख सकता हूं क्या कि ये बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में डिवाइड कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? अब आई का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा या नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ आई, देख लो एक ही बार में आ गया, ए इंटू क्या कहा गया? ए इंटू ये वाला, ये है ना, ये ए इंटू ए यानी ए इंटू ए वेक्टर प्लस ये बी प्लस सी, बी प्लस सी इंटू ये वाला, इसका पोजिशन वेक्टर कितना है? सी सी प्लस बी बी अपॉन बी प्लस सी, नीचे में ओवरऑल क्या जाएगा? क्या ये बी प्लस सी प्लस ए आएगा क्या नीचे में? बोलो, क्या आ जाएगा नीचे में? b प्लस सी प्लस ए। क्या ये b प्लस सी से b प्लस सी कट गया क्या? क्या पोजिशन वेक्टर ऑफ i मतलब इन सेंटर का फार्मूला क्या वहां पे भी यही पढ़े थे क्या? a a वेक्टर प्लस b b वेक्टर प्लस c c वेक्टर अपॉन तीनों साइड के लंबाई का सम। बोलो, आ गया? कोई दिक्कत यहां पर? बात समझ में आया कि नहीं? तो ये इन सेंटर का फार्मूला हुआ। अब इस वाले पार्ट को आप थोड़ी देर बाद नोट कर लेना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वापस वही चीज लिखा गया है। अब अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक सेंटर क्या होता है, आपको पता है एक सेंटर? एक सेंटर याद है कुछ किसी को? एक सेंटर क्या होता है? एक सेंटर जब एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे ये अपने पास ट्रायंगल है, ये अपने पास एबीसी छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका ये बाहर बाहर का जब हम खींचेंगे, मतलब इसका इसका और इसका, ये तीनों जहां पे कट करेंगे यही आपका वो आपका हो जाएगा ये वाला पहला आई वन सेक्टर, ए के सामने वाला आई वन। यहाँ पे ये और ये लेके गए, यहाँ पे ये खींचा तो ये आई टू, और ये लेके गए तो ये खींचा तो आई थ्री, और एक ये आई फोर। अगली बात समझ में? आपको ये बात बताया भी गया था कि ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले टोटल पॉइंट होते हैं चार, एक पॉइंट ए भी है। अच्छा, ये इन सेंटर का मतलब ये होता है, इन सेंटर का और इन सर्कल का मतलब ये होता है कि सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर बनेगा और ये साइड से इसकी ये और ये और ये तीनों डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, क्योंकि रेडियस है ये, क्योंकि रेडियस है तो ये तीनों बराबर है, तो ये सर्कल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले कुल मिला के चार पॉइंट होते हैं, एक तो अंदर वाला इन सेंटर और तीन ये एक सेंटर। क्या ये वाला भी यहां से बराबर होंगे क्या? ये और ये तीनों बराबर होंगे क्या? होंगे या नहीं होंगे? यहां भी ये तीनों बराबर होंगे और यहां भी ये तीनों आपका ये और ये आपका तीनों बराबर होगा, तो कुल मिला के चार पॉइंट होते हैं। तो एक सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो, अब जरा देखो इस पे बात करते हैं, एक सेंटर पे कोऑर्डिनेट निकालना हो ए बी सी, इसके सामने वाले को हमने लिखा
आई वन एक सेंटर, ये आई वन, यहाँ पे आपका अभी भी स्मॉल है, स्मॉल भी स्मॉल सी है। हमने क्या बोला था कि जब ए के सामने वाले को लिखना तो इसके सिर्फ साइन को चेंज कर देना, मतलब आई वन को हो जाएगा माइनस ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। याद है, याद है कि नहीं? अगर मैं इसके सामने यानी B के सामने वाले को I2 को लिखना चाहूंगा तो सिर्फ इसका साइन चेंज कर दूंगा, यानी I2 क्या हो जाएगा आपका A A माइनस B B प्लस C C अपॉन A प्लस B प्लस C, A A माइनस B प्लस C। आई बात समझ में? अच्छा, एक और बात यहां पे नोट करने वाली जो बात है कि देयर इज टोटल फोर पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ ट्राइंगल। बोलो, बात समझ में आ गया? और वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले पॉइंट का नाम क्या होता है? सर्कम सेंटर। क्या नाम होता है? सर्कम सेंटर। बात समझ में आ रही है? सही है ना कि वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, अरे दो ही तो सेंटर होते हैं, जो दो ही तो मतलब सर्कल के लिए सेंटर होते हैं, एक सर्कम सेंटर और एक इन सेंटर। आ रही बात समझ में? बाकी दो और सेंटर होते हैं, कौन कौन? ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। सेंट्रोइड वो जगह है जहां पे इसका पूरा भार कंसंट्रेटेड होता है, ऑर्थो सेंटर वो जगह है जहां पे इसके अल्टीट्यूड एक दूसरे से परपेंडिकुलर, यानी अल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो चार ही टोटल पॉइंट होते हैं, चार और ये तीन मिला के सात हो गए। ऐसे चार मेन पॉइंट क्या पड़ते हैं? ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। अरे बात समझ में? इन सेंटर ये चार पड़ते हैं, बाकी तीन ये एक सेंटर मिला के सात पॉइंट हो जाते हैं, जिसमें से चार पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो गए और एक पॉइंट इनके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जिसका नाम होता है सर्कम सेंटर। बात समझ में आ रही है? अब नोट कर लो। सवाल लिखो भाई, ये सवाल आप लोगों को करना है। सवाल है आपका, प्रूव दैट सम ऑफ मीडियन वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज जीरो। पहले थोड़ा सा देख लो, फिर समझ में आएगा कि करना कैसे है। और इसको एक नहीं डबल कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग करेंगे, दो चीजें सीखेंगे यहां पे। एक तो ये है कि पहले तो ये हम जाने कि ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब क्या होता है भाई? मीडियन का मतलब क्या होता है? जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से पास हो। तो जैसे ये हो गया मीडियन, ये आपका, ये दोनों इक्वल होगा, या यहां से ये नहीं पता कि ये किस एंगल पे जा रही है, बस ये पता है कि मिड पॉइंट से जा रही है। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया, और यहां से ये मिड पॉइंट हो गया। अगर मैं इसका सी डी, इसका बीई और इसका सी एफ नाम दे दूं, तो ये सामने वाला सवाल वाला ये कह रहा है कि आपका ए डी, आपको दिखाना है ए डी सम ऑफ मीडियन, यानी इस वर्टेक्स से खींचे गए मीडियन का सम। तो ए डी प्लस बीई, ये आपका बीई प्लस आपका सी एफ, इन तीनों का सम क्या दिखाना है अपने को? जीरो। आ रही बात समझ में? ये चीज अपने को दिखाना है, हमको यही चीज शो करना है, यही प्रूव करना है, यही सवाल में कह रहा है। उससे पहले आप एक चीज देखो, मैं एक चीज आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं। जैसे मान लो अपने पास ये ओरिजिन है, जीरो कमा जीरो है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ये क्या है? ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अगर ये एक पॉइंट ए है, इसका मतलब कि ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये ऐसे कुछ पोजीशन वेक्टर, ये वाला वेक्टर है क्या? बोलो, बात समझ में आ रही है? और ये ऐसे है तो ये वाला एक वेक्टर है क्या? ये यहाँ पे ये वाला वेक्टर है क्या? ये बी वेक्टर, ऐसे बी वेक्टर है क्या ये? अच्छा, इन दोनों का कोई मिड पॉइंट आपसे कहेगा तो क्या मिड पॉइंट आपका क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी बाई टू निकल के आएगा क्या? क्या ये वाला वेक्टर ऐसे, ये वाला भी ऐसे वेक्टर है क्या? ये ऐसे इस तरह का। बात समझ में आई? मतलब मैं वापस दोबारा ऐसे बनाऊंगा आपके सामने, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये और ये आपके पास पॉइंट है,
इसको मैंने हटा दिया, यहाँ से जीरो कामा जीरो किया, यहाँ पे ये आपका ए है वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर है, और इनके बीच का मिड पॉइंट जो है यहाँ पे ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई टू हो रहा है। तो ये आपका यहाँ से ये वाला वेक्टर ओ ए ओ बी हो रहा है, और ये वेक्टर आपका यहाँ से ये ओ ए वेक्टर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ से ये वाला वेक्टर अगर इनके मीडियन है तो क्या हो रहा है, क्या हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि क्या वेक्टर ये मीडियन को जो ओडी या ओबी या ओसी वेक्टर है या ओडी वेक्टर है, तो क्या हम ओडी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई टू, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या। एक ही बात है ना, ओडी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई टू, बोलो बात समझ में आ रही है। यानी क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि टू ओडी बराबर टू ओ ए प्लस टू ओ बी, इधर कहीं मैं लिख रहा हूं, यहां पे कहीं मैं लिख रहा हूं, देखो मैं लिख सकता हूं कि टू ओडी वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए को लिख सकता हूं ओए वेक्टर, और वेक्टर बी को लिख सकता हूं ओए वेक्टर, लिख सकता हूं मैं। यानी मैंने लिखा यहां पे ओए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर और ये टू ओ डी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना, कि अगर आपका ये मीडियन है और तीनों वेक्टर यहां से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, किधर तरफ निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो उस केस में इन तीनों का बाद वाले का सम बीच वाले के डबल के बराबर है। देखो इन दोनों साइड वाले का सम बीच वाले का डबल है, यानी देखो इन दोनों ओए और ओबी, ओए और ओबी का सम बीच वाले ओडी का डबल, समझ में आई बात, कोई दिक्कत इसमें। यानी कह रहा है ये कि जब भी आपका किसी एक पॉइंट से, यानी ट्रायंगल में ही कहो या कहीं भी कहीं किसी एक पॉइंट से तीन वेक्टर बाहर निकल रहे होंगे और बीच वाला इन दोनों के मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो बीच वाले का डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा, बात समझ में आई। अब आते हैं इस मीडियन वाले कहानी पे, यहां पे आते हैं, वापस यहां लौटते हैं। देखो जरा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कह रहा है मैं यहाँ पे इसको इधर की तरफ डाल दिया, इसको इधर की तरफ डाल दिया, यहां से इधर जा रहा है तो मैंने इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया, फिर इसको मैंने इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया, क्योंकि हमको पता है कि इस पॉइंट से तीनों बाहर की तरफ निकलेंगे तो ये बीच वाले का डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा, यहां से तीनों बाहर की तरफ निकलेगा तो इन दोनों का सम इसके डबल के बराबर होगा और इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तब जरा बताओ क्या 2AD की वैल्यू, डायरेक्ट देख लेते हैं 2AD की वैल्यू AB प्लस AC के बराबर होगा क्या, यानी तीनों बाहर निकलने चाहिए तो AB प्लस AC के बराबर होगा। 2BE की वैल्यू, 2BE की वैल्यू क्या, 2BE की वैल्यू BC प्लस BA के बराबर होगा क्या, सोचो BC प्लस BA के बराबर होगा, तो BC प्लस BA के बराबर होगा। 2CF, सी एफ इधर वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा क्या, मतलब किसके, सी ए प्लस सी बी के बराबर जाएगा। आई बात समझ में, तीनों को जोड़ा गया है यहाँ पे ए डी बी सी एफ, तो तीनों को ऐड कर दें, ऐड कर दें, तो ये वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, इसको अलग जगह लिख देंगे। अब तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड ऐड करेंगे तो ये आएगा 2AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका देखो AB, डायरेक्ट अगर आप देखो तो मैं काट सकता हूं, काट दो AC किससे, समझ रहे हो ना कैसे कट रहा है, BC CB से, क्या दे दिया, क्या ये प्रूफ करना था क्या, AD प्लस BE प्लस CF, बोलो प्रूफ यही करना था क्या, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। और यहाँ पे जो लिखने लिखा था वही लिख देता हूँ कि ए बी, यहाँ पे लिख लेना कि भाई हमें शुरुआत में करना क्या था, बी ए प्लस सी एफ इज इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करना था, यही टू प्रूफ करना था। एक और बात, मेरे पास जगह है इसलिए मैं जगह का यूज कर लेता हूँ, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, एक और तभी अगले सवाल की तरफ हम मूव करेंगे। ये बताओ हमने क्या अभी थोड़े पहले क्या कल पहले लॉ पैरेललोग्राम बताया था, लॉ पैरेललोग्राम में ये पैरेललोग्राम का ये वाला आपका एक डायगोनल है, ये वाला एक डायगोनल है क्या, अच्छा ये भी जानते हैं क्या कि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, अरे आ रही बात समझ में, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, बात समझ में आ रही क्या। अच्छा अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है अगर, तो इस वेक्टर का पूरा यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा अभी मैंने यहां से पूरा लिखा कि ये वाला वेक्टर a प्लस बी यहां से यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, अगर ये a b
बी सी डी है, तो आई बात समझ में। अब क्या ये वाला मिड पॉइंट है? क्या मिड पॉइंट है कि नहीं? अब मैंने पूरी थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया, दिख रहा है आप? अच्छा अब बताओ, क्या ये वाला वेक्टर क्या इसके मिड पॉइंट पे जाके जुड़ रहा है क्या, इस ट्राइंगल के तीसरी साइड के जुड़ रहा है कि नहीं? यानी इसका एक्चुअल में इसका पोजिशन वेक्टर क्या ए प्लस बी बाई टू हो जाता क्या? अरे यार ये बात समझ में, क्योंकि ये इस वाले के मिड पॉइंट जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट तीसरे वाले साइड के मिड पॉइंट से पास होगा, ऐसे कह सकते हैं क्या? यानी ऐसे कह सकते हैं कि ए एंड बी का रिजल्टेंट पासेस मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड। बोलो ऐसा कह सकते हैं हम लोग? बोलो कह सकते हैं कि नहीं बच्चों? ऐसा कि तीसरे, जैसे मान लो कभी भी आया, ऐसे कभी भी आपके सामने ऐसे लिखा हो कि ऐसे कोई भी एक ऐसा मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया ऐसे इस तरह का, और मेरा ये वाला और ये वाला कोई वेक्टर ए है कोई वेक्टर बी है, तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा, ये वाला जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे साइड के मिड पॉइंट से पास होगा क्या? बोलो, ये हम नहीं कह सकते कि इसका रिजल्टेंट यहां पे जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं है ये। अरे आगे बात समझ में कि नहीं? पैरेललोग्राम नहीं है ये, पैरेललोग्राम के बजाय किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है, पर एक बात तो कह सकते हैं कि इनका और इनका जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, वो हमेशा कहां से पास होगा? इनके मिड पॉइंट से, तीसरे वाले साइड के मिड पॉइंट से। यानी ये और ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये रिजल्टेंट होगा तो ये रिजल्टेंट होगा। तो बोलो बात समझ में आई बात? अब ये चीज समझ में आया कि नहीं? इसके ऊपर अगला सवाल करेंगे, पहले आप नोट कर लो। ए बी मैंने क्या लिखा, ए बी एंड ए डी आर टू फोर्सेस, मतलब कोई भी किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो फोर्स आपका इक्वल ही हो, ठीक है ना? तो किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, तो ए बी एंड ए डी आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड सी डी कामा सी बी आर टू डिफरेंट या टू फोर्सेस, कोई भी दो फोर्सेस लिखा नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, टू फोर्सेस आर अगेन एक्टिंग ऑन सी वर्टेक्स सी या सी वर्टेक्स सी, देन प्रूव दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फोर टाइम्स ई एफ वेक्टर वेयर ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD, ठीक है? तो जरा सा आप सवाल है, कोई भी एक ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें कि इस तरह की कोई चीजें होती होंगी। सवाल बहुत आसान है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। ये आपका हमने एक आपका बना दिया, ठीक है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने नाम दे दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कह रहा है कि ए बी और ए डी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मतलब इधर के साइड में एक फोर्स जा रहा है और एक फोर्स इधर के साइड में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और एक कह रहा है कि सी बी और सी डी पे ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए कि ये एफ वन है, ये एफ टू है, ये एफ थ्री है और ये एफ फोर है। बोलो बात समझ में आई? और कह रहा है कि इस डी बी डी का मिड पॉइंट आपका कुछ बी डी का मिड पॉइंट एफ है, इनका मिड पॉइंट कहीं यहां पे एफ है, और कह रहा है कि एसी का मिड पॉइंट कहीं पे क्या दे रखा है, एसी के मिड पॉइंट को कि यहां पे कहीं इसका मिड पॉइंट ई है। बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, इतना सब ठीक है? अब कह रहा है कि इन सब का फोर्स का सम, मतलब हमसे कह रहा है कि एफ वन प्लस एफ टू, जो एफ वन वेक्टर है एफ टू वेक्टर है,
या प्लस एफ थ्री वेक्टर प्लस एफ फोर वेक्टर जो ये चारों फोर्सेस हैं इनका सम हमको दिखाना है फोर ई एफ वेक्टर के बराबर, जो ये वाले वेक्टर है ई और एफ। बात समझ में आ रही है? अब जरा सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, इसका और इसका फोर्स का वेक्टर इस एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? मीडी के मिड पॉइंट कौन सा है वो क्या है एफ। क्या इनका रिजल्टेंट यहां से पास करेगा? क्या यही भी पीछे यही पढ़ रहे थे क्या अभी हम लोग कि इनका रिजल्टेंट हमेशा कहां से पास करेगा? तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से पास करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? क्या इनका रिजल्टेंट यानी एफ वन प्लस एफ टू यही वहीं से पास करेगा क्या? यानी क्या एफ वन प्लस एफ टू को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये लिख सकता हूं क्या कि ये एफ के बराबर है? बोलो समझ में आ रही बात? अच्छा इनका F3 और F4 का रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? बोलो F3 और F4 का रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? F से ही। क्या इसके लिए भी इनका सामने का मिड पॉइंट यही होगा क्या? क्या ये भी आपका यहीं से पास करेगा क्या? जरा बताओ तो यहीं से पास करेगा क्या? ऐसे देखो इनका रिजल्टेंट इनके मिड पॉइंट से पास करेगा, यानी ये आपका F3 प्लस F4 है। और जरा देखो, जरा ध्यान दो, अब जरा फिर से देखो, जरा सा मैं थोड़ा मोटा यहाँ पे गाढ़ा बनाता हूं। ये देखो यहाँ पे ये इस ट्राइंगल को जरा देखो तो ध्यान से, इस ट्राइंगल के लिए दो फोर्स, एक फोर्स इधर जा रहा है एक फोर्स इधर जा रहा है। यहां से देखो इसका इसके लिए ये सामने वाली साइड हो जाएगी और ये सामने वाले साइड का मिड पॉइंट ये हो जाएगा क्या? अगर ये दोनों बाहर की तरफ जाते तो इनका रिजल्टेंट यहां से पास करता क्या? किधर की तरफ जाते? बाहर की तरफ जाते। तो अरे बात समझ में, अगर ये बाहर की तरफ जाते कहने का मतलब ये है कि हम कहें कि अगर एफ ए वेक्टर प्लस ये एफ सी वेक्टर FC वेक्टर इन दोनों का क्या टू टाइम FE के बराबर हो जाएगा क्या? बोलो बेटा, अरे बोलो मीडियन है या कि नहीं है? मीडियन होगा कि नहीं है? ये बोलो मीडियन होगा कि नहीं है? मीडियन का मतलब क्या होता है? इसके मिड पॉइंट से पास करे, क्या मिड पॉइंट से पास कर रही है? तो क्या ये इन दोनों, अगर ये इधर FA और FC होता तो ये 4EF के बराबर हो जाता। चलो ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं माइनस AF प्लस माइनस सी एफ लिख सकता हूं क्या? इसको फोर एफ ई के टू एफ ई के बराबर, बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा जरा आप देखो, क्या मैं ये कह रहा हूं कि जो ये ए एफ है वो आपका ए एफ जो है वो मीडियन है, ए एफ जो है ए एफ आपका मीडियन है। क्या ये मीडियन इसके और इसके लिए मीडियन का काम करेगा क्या? तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा क्या? 2AF के बराबर हो जाएगा क्या? अरे बोलो, इसका F1 और F2 का सम ये मीडियन होगा कि नहीं होगा इसके लिए? नहीं समझ में आई बात आप लोगों को? क्या ये भी इसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये भी मीडियन हो गया क्या? ये तो अगर ये मीडियन है तो इन दोनों का भी सम, यानी यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि F3 प्लस F4 की वैल्यू क्या 2 टाइम्स CF के बराबर हो जाएगा क्या? बोलो समझ में आई बात? क्योंकि ये मीडियन है और हम जान रहे हैं कि अगर मीडियन होगा तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, इन दोनों के डबल हो जाएगा, यहां भी इन दोनों का डबल हो जाएगा मीडियन की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब हमको यही तो चाहिए था, चाहिए क्या था? एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर, क्या इन सबका सम किसके बराबर? 2AF प्लस 2CF के बराबर हो जाएगा, यानी ये हो गया 2AF प्लस 2CF के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, जरा इसकी वैल्यू बताओ कितना है? 2 मैंने कॉमन कर लिया यहां से, तो 2 कॉमन करने के बाद AF प्लस CF की वैल्यू कितनी है बच्चों? क्या AF प्लस CF की वैल्यू क्या ये माइनस 2AF के बराबर है क्या? देखो तो मैं ऊपर में लिख रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, 2AF प्लस CF, नीचे से ऊपर जाने पे जगह है अपने पास, 2 माइनस 2FE के बराबर है, और ये दोनों मिलके तो 4 हो गया, और माइनस इसको क्या कर देगा? EF कर देगा क्या? तो क्या आंसर आ गया क्या कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हमको नहीं पता होता मीडियन वाला तो ये आंसर आ पाता क्या? मीडियन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ऐसे रखते रह जाओ, मुश्किल हो जाता कि ये आना क्या है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा तीसरे वाले साइड के मिड पॉइंट से पास होगा, और मिड पॉइंट से पास होगा तो उसका यानी ये बीच वाला मीडियन हो जाएगा और इसका मीडियन का डबल इन दोनों के सम के बराबर।
बात समझ में आ रही है, यही पूरे सिस्टम का फंडा है। बात पकड़ में आ रही है, समझ में आ गया सबको? तो फटाफट नोट करो, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब थोड़े आसान सवाल करेंगे। द पॉइंट ऑफ एंड एम इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू टी एंड पी एस, देन फाइंड क्यू एम इज टू एम टी। ठीक है, फटाफट सवाल नोट करो, फटाफट सवाल नोट करो, उसके बाद देखो, ये एक सवाल देख लो, उसके बाद जब मैं सीट दूंगा उसमें बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर, तो वो सारे सवाल आपको बनाने पड़ेंगे। ये एक सवाल इकलौता ट्रायंगल कैसा है, क्या नाम है ट्रायंगल का? पी क्यू आर। कह रहा है कि एस एंड टी आर टू पॉइंट्स ऑन साइड क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर पे कोई दो पॉइंट है एस और टी। मैंने कहा यहाँ कहीं एस है, यहाँ कहीं टी है, नहीं पता कहाँ होगा, मैं छोटा इसलिए बनाया हूँ क्योंकि बोला है क्यू एस इक्वल टू थ्री एस आर, मतलब क्यू एस की वैल्यू एस आर का तीन गुना है, मतलब एस कहीं यहाँ पास में होगा। सही है, बात समझ में आ रही है? और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का तीन गुना है, मतलब ये रेशियो कौन सा रेशियो है? थ्री टू वन। फिर बोला है पीटी जो है फोर टी आर की वैल्यू बराबर, यानी पीटी इसका चार गुना है, तो यही कहीं रहा होगा, ये फोर इज टू वन है, यहाँ पे ये वैल्यू टी है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा है कि एम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू टी, ये क्यू टी हो गया और ये आपका पी एस हो गया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दे रखा है अपने को? एम। अरे बात समझ में? तब देन पूछ रहा है कि क्यू एम इज टू एम टी बताना है। अरे बात समझ में? अब देखो, जब भी ऐसे सवाल करने होंगे ना, तो पहली बात आप ध्यान रखना कि जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन निकल रही होगी उसको ओरिजिन मान लेना, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, इन दोनों जगह से कितनी लाइंस निकल रही हैं, इन यहां से कितनी लाइन निकल रही है, तो दोनों में से चाहे इसको या इसको किसी को भी ओरिजिन मान लेना। ओरिजिन मानने से क्या फायदा होता है कि अगर मैं ओरिजिन मान लूंगा, अच्छा क्यों फंडा क्यों ओरिजिन मानने का है, फंडा क्या होगा इसका? देखो ये आपको क्यू एम इज टू एम टी पूछ रहा है, तो हम तो आपको बताए थे कि अगर अगर रेशियो नहीं दिया हो तो क्या मान लेंगे रेशियो को? लेमडा इज टू वन। ये लेमडा इज टू वन, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो इस पर्टिकुलरली ऐसे पॉइंट्स दो 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 रास्ते से निकाले जा सकते हैं। ऐसे पॉइंट जब भी आएंगे देखना, ऐसे पॉइंट हमेशा दो रास्ते से निकाले जा सकते हैं। देखो एम का कोऑर्डिनेट मैं क्यू और टी के कोऑर्डिनेट की मदद से भी निकाल सकता हूं, या एम का कोऑर्डिनेट पी और एस की मदद से भी निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं कि नहीं? अब यहां पे तो सबको इसलिए दिख जाता है क्यू और टी वाला, क्योंकि ये सवाल में बोलता है क्यू एम इज टू एम टी, तो लेमडा इज टू वन मान लेते हैं लोग, फटाफट मान लिया। लेकिन ये पी एम और एम एस वाला चीज बोलता नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो है यहाँ पे। ये अगर आपने इसको ओरिजिन मान लिया है और इसको आपने कुछ मान लिया कि कोऑर्डिनेट क्यू मान लिया और इसका पोजिशन वेक्टर कुछ आर मान लिया, तो क्या इसका पोजिशन वेक्टर थ्री इज टू वन रेशियो के हिसाब से निकल के आ जाएगा? तो बताओ इस एम का पोजिशन वेक्टर इधर के रास्ते से भी निकल के आ जाएगा क्या? और इस इधर के रास्ते से निकल के आ जाएगा और ये रेशियो दिया नहीं है, तो इसको भी मैं क्या मान लूंगा? बोलो क्या मान लू मैं? क्या लेमडा इज टू म्यू इज टू वन मान लो, कुछ अलग मान लो? अच्छा ये ध्यान रहे कि मैं ये जो माना हूं लेमडा इज टू वन, ये इस रास्ते के लिए माना हूं, और जो म्यू इज टू वन मान रहा हूं वो इस रास्ते के लिए मान रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा इस एम का मैं चाहे इस रास्ते से निकालो चाहे इस रास्ते से निकालो, क्या अपनी जगह बदल रहा है क्या? चाहे आप दिल्ली वाया राजस्थान जाओ या वाया दिल्ली जाओ, दिल्ली तो दिल्ली रहेगा, कि वो राजस्थान जाने से बदल जाएगा और इधर से जाने से बदल जाएगा क्या? जगह तो बदलेगा नहीं ना। तो एम चाहे मैं इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, एम तो वैल्यू वही रहेगी। मतलब मैं किसी भी रास्ते से निकाल के अगर चाहूं तो एम की वैल्यू मैं बराबर कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, इक्वल करके कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके यहां से मैं म्यू और लेमडा की वैल्यू निकालूंगा। क्या करूंगा मैं? इस एम का पोजिशन वेक्टर इस रास्ते से और इस रास्ते से। जब भी आपके ऐसे सवाल आएंगे तो देखना ऐसे का पोजिशन वेक्टर दो रास्ते से निकाला जाएगा, और दोनों रास्ते से आप निकालो और दोनों को बराबर करो, इक्वल करो, इक्वल करके आप वहां से लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालो, फिर आंसर लगाओ। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, अब देखो इतने में सारी चीजें लगभग हमारे पास है तो हम यूज कर लेते हैं। थ्री इज टू वन है ये, एस कोऑर्डिनेट यहाँ है, अब इसका पोजीशन वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा? ये क्यू और आर हमने मान लिया है, क्या हो जाएगा जरा फटाफट बोल दो। बोलो बच्चों, थ्री आर प्लस क्यू बाई फोर, सही है क्या ये? अच्छा टी का पोजीशन वेक्टर ये चार है और ये एक है, तो टी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा फटाफट बोल दो?
फोर आर प्लस जीरो अपॉन फाइव। जीरो कहां से आया है? ओरिजिन यहां पे दिख रहा है ना, और ओरिजिन मानने से का यही फायदा है कि ये ओरिजिन है तो इसको मैं आर क्यू लिख सकता हूं, इसको मैं आर लिख सकता हूं। अगर ये ओरिजिन नहीं होता तो इसका कोऑर्डिनेट इसके रेफरेंस में कुछ और आता, आता है नहीं आता, तो इसीलिए ओरिजिन मानने का फायदा है। तो हमने यहाँ पे जीरो यानी एक छोर में फोर आर बाई फाइव है। अब मैं पोजिशन वेक्टर ऑफ एम निकाल रहा हूं, पोजिशन वेक्टर ऑफ एम इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ एम, और ये किस रास्ते से? पी एस वाले चाहिए, क्यू टी वाले रास्ते से, क्यू टी वाले से। और ये किस रास्ते से निकाल रहे हैं हम? पी एस वाले से। अरे बात समझ में, हमें पता रहेगा ना कि कौन किधर क्या यूज करना है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, पी क्यू टी वाले से निकालना है तो क्या लेमडा इज टू दिस वन इंटू वन इंटू दिस वन बाई वन प्लस लेमडा हो जाएगा क्या? क्या लेमडा इंटू फोर आर, लेमडा इंटू फोर आर बाई फाइव प्लस वन इंटू क्यू, सही है क्या ऐसा? वन इंटू क्यू बाई वन प्लस लेमडा, बोलो चलेगा? आई बात समझ में बच्चों? अब जरा बताओ यहां पे इसके रास्ते से क्या ये आपका म्यू इंटू दिस वन इंटू वन इंटू जीरो बाई वन प्लस म्यू, सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू इंटू यहां पे ये है आपका थ्री आर प्लस क्यू, थ्री आर प्लस क्यू वेक्टर अपॉन वन प्लस म्यू, नहीं सॉरी नीचे क्या है फोर प्लस यहां पे वन इंटू ये वाला आपका हो जाएगा। अच्छा ये पक्की बात है कि इंटरनली डिवाइड किया है कि एक्सटर्नली? इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स, ये हो जाएगा। अब यहां से हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर किसका? कोफिशियंट ऑफ आर एंड क्यू। जरा बताओ यहां पे मैं कोफिशियंट ऑफ आर कंपेयर कर रहा हूं, कोफिशियंट ऑफ आर दोनों साइड में मैं कंपेयर करूंगा। इधर साइड में कितना है? क्या फोर लेमडा बाई फाइव अपॉन वन प्लस लेमडा है क्या? इधर साइड में देखो फोर लेमडा बाई फाइव अपॉन वन प्लस लेमडा है क्या? इधर साइड में कितना है? इज इक्वल टू थ्री म्यू बाई फोर अपॉन वन प्लस म्यू, बोलो यही है? अरे आई बात समझ में? और मैं इधर में कंपेयर कर रहा हूं इधर साइड में कोफिशियंट ऑफ क्यू। जरा बताओ यहां पे कितना है कोफिशियंट? वन अपॉन वन प्लस लेमडा है क्या? ये है आपका वन अपॉन वन प्लस लेमडा इज इक्वल टू यहां पे कितना है क्या? म्यू बाई फोर, सबको दिख रहा है ना, म्यू बाई फोर वन प्लस म्यू, बोलो यही है कि नहीं बच्चों? समझ में आई बात? यहां पे थोड़ा इसको और ठीक से लिखते हैं। ये लिखा है फोर बाई फाइव लेमडा वन प्लस लेमडा, वन प्लस लेमडा, और आपका यहां से थ्री बाई फोर म्यू अपॉन वन प्लस म्यू। क्या यहां से हम ये म्यू अपॉन वन प्लस म्यू की वैल्यू फोर अपॉन वन प्लस लेमडा लिख सकते हैं? देखो म्यू अपॉन वन प्लस म्यू की वैल्यू ये फोर इधर बेस के वन प्लस लेमडा लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया फोर बाई फाइव वन प्लस लेमडा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर इंटू फोर अपॉन वन प्लस लेमडा, बोलो सही है बच्चों? चार से चार कटा, ये इससे कट गया, कटा या नहीं कटा? क्या बच गया यहाँ पे? लेमडा था क्या ऊपर में? फोर लेमडा ये था ना। क्या बच गया है आपका फाइनली? लेमडा इज इक्वल टू पंद्रह बटे में चार, बचा क्या? अरे बचा नहीं बचा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया फिफ्टीन बाई फोर। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी? लेमडा की निकालनी थी क्या? आई बात समझ में? तो क्या रेशियो आ गया क्या क्यू टी क्यू एम इंटू इज टू एम टी बराबर लेमडा इज टू वन मतलब फिफ्टीन इज टू फोर, बोलो बात समझ में आया? अब ऐसे सवाल और मैं दे दूंगा आपको, सीट में बहुत सारे सवाल है प्रैक्टिस करने के लिए, वो मैं दे दूंगा या और या फिर मैं कल आपको आऊंगा तो दो चार सवाल होमवर्क में लिख दूंगा, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।